सुबह से ही दलित कल्याण समिति का एक दिवसीय सम्मेलन से चुनाव चल रहा था और लंबे जद्दोजहद के बाद अभी फिर से सहदेव साहब जिला अध्यक्ष बने हैं। लंबे जद्दोजहद के बाद आपका नाम आया, 5 आदमी चुनाव में थे लेकिन उन लोगों ने आपका समर्थन किया, क्या ऐसी आशा आपने की थी? ऐसा बात नहीं है, मेरे विरोध में कोई नाम आया जिसके चलते 4 आदमी और अपना नाम डाले, जो अपना नाम वापस लिए, समर्थन दिए, और उन लोग को हम हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहुत काम अभी अधूरे पड़े हैं, समाज का अभी ये बिल्डिंग भी अधूरा है, बहुत काम अधूरे हैं, उसको हमको पूरा करना है 3 साल में। उसके बाद 3 साल के बाद तो और हम कभी बनना भी पसंद नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म दे देंगे समाज के लोगों को, उसमें वो लोग चलेंगे, स्टेशन मिलेगा, आएंगे जाएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन होता है उसी तेली समाज का एक प्लेटफॉर्म होगा, ये पूरा भरोसा देते हैं। और जो हमने कहा है 2024 में एक विधायक बोकारो से तेली समाज का होगा, बोकारो में 5-4 विधानसभा, 4.5 लेकिन एक विधायक मेरा होगा, ये हम लोग आज से ही घर से निकल गए हैं इस काम के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बताया कि जिले में कई धर्मशाला आपने बनवाया है अपने कार्यकाल में, फिर से आपको अध्यक्ष का मौका मिला है, तो कौन सा ऐसा सपना अधूरा सहदेव साहब का रह गया था जो इस बार पूरा करेंगे अपने कार्यकाल में? बोले तो एक नेता हम लोग बनाए हैं, एक नेता के मार्फत हम लोग इतना काम लिए जो एक विधायक सांसद नहीं दे पाता, तो उनको हम विधायक बनाना है इस मुहिम के लिए। और जो धर्मशाला भी बन रहे हैं उसका अधूरा काम सौंदर्यीकरण करने के लिए, इसी के लिए मैंने एक बार और चांस मांगा और लोगों ने दिया है, समाज के लोगों ने समझा बुझा, तो उस काम को हम पूरा करेंगे 2024 तक। 4 चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली, पहला आपने किसी बच्ची की शादी के लिए 51,000 दिया, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप दिया, और शादी में दहेज नहीं लेने के लिए लक्ष्मण जी ने भी ऐलान किया। वो तो मैं भी ऐलान कर चुका हूँ, मैं तो बोला हूँ कहीं मंदिर में और कोर्ट में बाद में शादी होगा, पहले इस तरह समाज का स्टेज में मेरे दोनों बेटे का शादी होगा, और कोई करोड़पति अरबपति घर में नहीं करूंगा, गरीब के घर में करूंगा, गरीब के घर के बेटी को मैं बहू बुलाऊंगा ताकि वो घर को समझे अपना घर और अपना मायका को भूल जाए।